हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड ऑल्सो लेके आ चुका हूँ फिर से एक और नई शानदार अनबॉक्सिंग, जो कि इस बार अनबॉक्सिंग रहने वाली है रियलमी 10 4G स्मार्टफोन की। जी हाँ दोस्तों, रियलमी की तरफ से रिसेंटली स्मार्टफोन लॉन्च किया है सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ, वो भी सिर्फ 13,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे। सोचिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्या ये स्मार्टफोन लेने लायक है, क्या इसके प्रोज है, क्या इसके कौन से गेमिंग के लिए कैसा है, कैमरा के लिए कैसा है या फिर मल्टीमीडिया के लिए कैसा है, हर एक डिटेल्स में आपको रिव्यू देने वाला। एंड दोस्तों, वैसे स्मार्टफोन आपको 14,000 रुपये में लॉन्च किया है, बट दोस्तों ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर फ्लिपकार्ट पर सेल चालू है तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो फाइनल प्राइस आपको 13,000 रुपये निकल के आ जाती है। तो चलिए फ्लिपकार्ट के बॉक्स का अनबॉक्सिंग करेंगे एंड देखते हैं कि बॉक्स के अंदर मिल जाएगा एक येलो टाइप का रियलमी का बॉक्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिल भी चेकआउट करके देख सकते हैं, 13,000 रुपये बिल है। एंड दोस्तों मैं आपको सारा रियल रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि खुद के पैसों से फोन बाय किया है, कोई भी रिव्यू यूनिट नहीं है। सो ये है रियलमी 10 का टिपिकल येलो बॉक्स। एंड बॉक्स के बैक साइड में देखेंगे स्पेसिफिकेशन मेंशन है, जैसे कि 90 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। इसके बाद मीडियाटेक हेलियो G99 का प्रोसेसर है, 5000 एमएच की बैटरी है। इसके बाद दोस्तों 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा है एंड मैंने स्पेशली यहाँ पे रश ब्लैक कलर को बाय किया है, 4GB 64GB। एंड इसका जो रश ब्लैक कलर है काफी स्पेशल है, क्योंकि आगे चल के बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से फोन को करेंगे अनबॉक्सिंग एंड फोन को अनबॉक्सिंग करने के बाद देखते हैं कि इस बार रियलमी की तरफ से कौन कौन से बॉक्स कॉन्टेंट मिल जाते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा लीड पैकेट मिल जाता है, द ग्रेट स्टोरी सिंस द फर्स्ट लीप। एंड इस पैकेट के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा एक सिम इजेक्टर पिन। इसके बाद आपको मिल जाएगा कुछ डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि यूजर मैनुअल से। इसके बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा एक ग्रे टाइप का ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस कवर, पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं बट आपको यहाँ पे बॉक्सी ग्रे कलर का कवर मिल जाता है प्रीमियम क्वालिटी का। एंड इसके बाद दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा एक हैंडसेट, जो कि है रियलमी 10 का हैंडसेट। एंड स्पेशली दोस्तों मैंने रश ब्लैक कलर इसलिए बाय किया है, क्योंकि यार पूरा का पूरा यहाँ पे प्लेन ब्लैक कलर नहीं है, इसमें आपको कलर ग्रेडियंट इफेक्ट देखने को मिल जाता है। ऊपर के साइड में देखेंगे आपको यहाँ पे ब्लू एंड वायलेट का कॉम्बिनेशन का इफेक्ट मिल जाएगा। नीचे के साइड में देखेंगे आपको स्मॉल या फिर टेक्सचर्स पार्टिकल मिल जाते हैं। सो फोन को हम बाद में चेकआउट करेंगे। बॉक्स के अंदर मिल जाएगा आपको यहाँ पे 33 वैट का फास्ट यहाँ पे वोक चार्जर मिल जाता है। एंड इसके बाद आपको मिल जाएगा USB टाइप सी की डेटा केबल। सो फ्रेंड्स, बॉक्स के अंदर आपको बस इतने ही बॉक्स कॉन्टेंट मिल जाते हैं। अब दोस्तों एक्चुअल में नजर डालेंगे रियलमी 10 स्मार्टफोन की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये है रियलमी 10 4G वाला डिवाइस, जिसमें आपको G99 का प्रोसेसर मिल जाता है। एंड इसका जो डिजाइन है ना, मुझे काफी ज्यादा स्पेशल लगा है, क्योंकि दोस्तों आपको कलर ग्रेडियंट इफेक्ट मिल जाता है स्मॉल टेक्सचर पार्टिकल के साथ। एंड साइड की जो फ्रेम है ना, वो आपको मेटल की मिल जाती है, साइड की फ्रेम आपको बिल्कुल भी यहाँ पे प्लास्टिक की नहीं है। तो चलिए फोन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। एंड फोन को स्टार्ट करते इस फोन के कुछ फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो इस फोन के राइट साइड में देख सकते हैं आपको पावर बटन मिल जाता है, एंड उसी के ऊपर आपको वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती है। एंड इसी पावर बटन में आपको साइड माउंट फिजिकल फिंगरप्रिंट का भी फीचर मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, तो लेफ्ट साइड में आपको सिम कार्ड ट्रे मिल जाता है। एंड ये जो सिम कार्ड ट्रे, आपको ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट मिल जाता है, जिसमें 2 नैनो सिम कार्ड के साथ साथ 1 माइक्रो SD कार्ड काफी आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बॉटम साइड में देख सकते हैं आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है, प्राइमरी माइक्रोफोन मिल जाता है, USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है एंड प्राइमरी स्पीकर मिल जाता है। टॉप साइड में देखेंगे बस आपको एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन का माइक मिल जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे रियलमी 10 की डिटेल रिव्यू के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्मार्टफोन की डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इस रियलमी 10 का बैक पैनल आपको प्लास्टिक का मिल जाता है, मतलब कि पॉलीकार्बोनेट का बैक मिल जाता है एंड ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ मिल जाता है। आप देख सकते हैं इसका जो लुक है, टोटल आपको ग्लॉसी फिनिशिंग मिल जाएगा। एंड दोस्तों बात करेंगे साइड की जो फ्रेम है ना, साइड की फ्रेम आपको यहाँ पे मेटल की मिल जाती है एंड उसी वजह से ये फोन थोड़ा सा हेवी लगेगा। उसके बाद दोस्तों कलर ग्रेडियंट के बारे में बात करेंगे। ऊपर के साइड में देखेंगे आपको ब्लू एंड वायलेट का कलर ग्रेडियंट इफेक्ट मिल जाता है एंड नीचे के साइड में देख सकते हैं आपको यहाँ पे स्मॉल या फिर लाइट पार्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं। सो काफी बेटर आपको लुक मिल जाता है इसे कलर ग्रेडियंट के साथ। इसके बाद दोस्तों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे, तो 6.4 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाता है, वो भी सुपर एमोलेड पैनल के साथ। इसके लिए दोस्तों 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है, 600 nits की पीक ब्राइटनेस वैल्यू मिल जाती है एंड गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। एंड इसके अलावा दोस्तों स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए आपको यहाँ पे हायर रिफ्रेश रेट, जो कि 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। एंड इसके बाद वाइड बैंड L1 का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी मदद से Amazon प्राइम एंड Netflix के जो कंटेंट है फुल HD+ में वॉच कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों YouTube की जो कंटेंट है वो यहाँ पे फुल HDR में वॉच नहीं कर सकते, आपको मैक्सिमम यहाँ पे 1440 पिक्सल का ही सपोर्ट मिल जाता है।
एंड डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि दोस्तों आपको सुपर एमोलेड का पैनल मिल जाता है, वो भी 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। सो काफ़ी ब्राइटर डिस्प्ले मिल जाएगा एंड जो कलर्स है काफ़ी बूस्टेड, आपको एनहांस क्वालिटी के कलर्स देखने को मिल जाएंगे। सो मल्टीमीडिया के लिए अगर आपको ये फ़ोन बाय करना है 13,000 रुपये में, सो आपके लिए काफ़ी बड़ी डील मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों Realme 10 के कैमरे के बारे में बात करेंगे तो कैमरा मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बेसिक एंड एवरेज टाइप का कैमरा मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिल जाता है, उसमें आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस नहीं बल्कि एक डेप्थ कैमरा मिल जाता है। एंड बाकी दोस्तों जो कैमरा फीचर्स है वो भी यार काफ़ी कम देखने को मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको कैमरा टेस्ट कैमरा सैंपल्स देखना है, सो मैंने कमेंट बॉक्स में गूगल ड्राइव की लिंक रखी है, सो अगर आपको कैमरा टेस्ट के रिजल्ट देखना है सो सारे के सारे कैमरा टेस्ट के रिजल्ट देख सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों कैमरा फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो कुछ भी ज़्यादा आपको कैमरा फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे, काफ़ी बेसिक टाइप का कैमरा मिल जाता है। फोटोज़ में भी ज़्यादा फीचर्स नहीं है। इवन दोस्तों बात करेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, सो मैक्सिमम फुल HD 60fps का सपोर्ट मिल जाता है, कोई भी आपको 4K का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसके बाद दोस्तों सेल्फी कैमरे के बारे में बात करेंगे तो 16 मेगापिक्सल की सुपर सेल्फी कैमरा इसमें देखने को मिल जाता है। सो सेल्फी कैमरे की क्वालिटी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू रियर कैमरा। इसके बाद दोस्तों गेमिंग एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक हेलियो G99 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, 4G प्रोसेसर है। एंड इसके अंतर्गत बेंचमार्क स्कोर के बारे में बात करेंगे तो नियर अबाउट आपको यहाँ पे 4 लाख के आसपास इसके अंतर्गत बेंचमार्क स्कोर मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों गेमिंग के बारे में बात करेंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम स्मूथ में देखेंगे अल्ट्रा का सपोर्ट मिल जाता है, बैलेंस में अल्ट्रा का सपोर्ट मिल जाता है एंड मैक्सिमम HD हाई ग्राफिक्स का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब कि नॉर्मली आप यहाँ पे 40fps की गेमिंग कर सकते हैं। एंड दोस्तों गेमिंग रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको स्मूथ गेमिंग इसमें देखने को नहीं मिलेगी, काफ़ी सारे टाइम्स मुझे यहाँ पे लैगिंग भी देखने को मिला है, सो अप टू दी मार्क आपको यहाँ पे स्मूथनेस भी देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों काफ़ी सारे फ्रेम ड्रॉप्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सो इस फोन में आपको बेसिक टाइप की गेमिंग मतलब कि एवरेज ठीक ठाक गेमिंग आपको देखने को मिल जाएगी। सो गेमर्स के लिए फोन में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। एंड दोस्तों बात करेंगे जायरोस्कोप के बारे में, सो जायरोस्कोप का पूरा डिले मतलब भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जायरोस्कोप काम ही नहीं कर रहा है। सो अगर आप एक जायरो प्लेयर से तो भाई आपके लिए फोन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, आप देख सकते हैं जायरोस्कोप यार पूरा ना के बराबर ही काम कर रहा है। इसके बाद दोस्तों बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे तो टोटली आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, वो भी 33W सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, सो आपको काफी लॉन्ग बैकअप आपको बैटरी के साथ मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों बात करेंगे OS एंड UI एक्सपीरियंस के बारे में। सो फ्रेंड्स जैसे फोन को स्टार्ट करेंगे तो फोन को स्टार्ट करने के बाद आपको फोन में कुछ यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे, जैसे दोस्तों शॉर्ट वीडियोस के एप्लीकेशन से कुछ आपको छोटे मोटे एप्लीकेशन मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको उनको अनइंस्टॉल करना है तो इजिली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एंड दोस्तों बग्स के बारे में बात करेंगे, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो काफी टाइम्स मुझे यहाँ पे टच के इशू भी देखने को मिला है, सो इस फोन में आपको टच का भी इशू देखने को मिल सकता है। एंड दोस्तों बात करेंगे आपको जो एप्लीकेशन ओपनिंग का स्पीड है वो काफी स्लो आपको देखने को मिल जाएगा, सो रैम मैनेजमेंट काफी बेकार आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं काफी सारे एप्लीकेशन मैंने पहले से ओपन करके रखे थे, लेकिन उसे फिर से अगर आप ओपन करने जाएंगे तो काफी टाइम यहाँ पे डिले हो जाता है। सो डे टू डे लाइफ में ये फोन आपको UI में स्मूथ एक्सपीरियंस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसके बाद दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स आपको Realme UI 3.0 विद Android 12 का सपोर्ट मिल जाता है, हालांकि दोस्तों Android 13 का अपडेट देना चाहिए था, बट पता नहीं दोस्तों यहाँ पे Realme 10 में Android 12 ही आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको साइड माउंट फिजिकल फिंगरप्रिंट का फीचर मिल जाता है एंड फेस अनलॉक का फीचर मिल जाता है। सो फिजिकल फिंगरप्रिंट का जो स्पीड है वो भी काफी ज्यादा फास्ट है, प्राइस के हिसाब से काफी बेटर है। एंड इसके बाद दोस्तों बात करेंगे फेस अनलॉक के स्पीड के बारे में तो फेस अनलॉक का भी स्पीड काफी ज्यादा फास्टर है एज कम्पेयर टू साइड माउंट फिजिकल फिंगरप्रिंट। इसके बाद दोस्तों रैम टाइप एंड स्टोरेज टाइप के बारे में बात करेंगे तो 4GB रैम 8GB रैम के टाइप से LPDDR4X टाइप है एंड इसके बाद दोस्तों 64GB एंड 128GB के वेरियंट है, वो भी आपको UFS स्टोरेज 2.2 सपोर्ट के साथ मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों डुअल 4G का सपोर्ट मिल जाता है, 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है, Wi-Fi 5 का सपोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.3 का भी सपोर्ट मिल जाता है, 3.5mm जैक भी मिल जाता है। सो काफी सारी मल्टीमीडिया की चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स फाइनल वर्डिट के बारे में बात करेंगे, सो अगर आपको ये Realme 10 स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मल्टीमीडिया के लिए बाय करना है, सो 13,000 रुपए में काफी सही डील है। बाकी दोस्तों कैमरा एंड गेमिंग काफी बेसिक एवरेज टाइप की इस फोन में देखने को मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा। सो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।